इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुगेली। जिले में गोलीकांड की घटना होने से हड़कंप मच गई है। यह घटना मुंगेली जिले के आखिरी गांव व तखतपुर क्षेत्र की सीमा से लगे हुए मोतीमपुर गांव की है, जहां गांव के आंगनबाड़ी सहायिका को मंगलवार की दोपहर अज्ञात युवक द्वारा गोली मार दी गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह घायल महिला को गंभीर स्थिति में सिम्स में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका को नल में पानी भरने के दौरान अज्ञात युवक द्वारा गोली मारने की इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस कप्तान पारुल माथुर व बिलासपुर एसपी की टीम भी तत्काल मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को सिम्स बिलासपुर इलाज हेतु भेजा गया। फिलहाल इस मामले को जिला पुलिस विभाग की टीम गंभीरता से लेते हुए आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही घायल महिला का सिम्स में भी पूछताछ किया जा रहा है। अब ये मैडम जो थी, जिस पर वारदात हुआ है सर, उसका नाम आंगनबाड़ी सहायिका है और वो अपने ड्यूटी पर थी और मैं स्कूल के ऊपर खड़ा था और करीबन 1:50 में कुछ आवाज़ आया है। तो जैसी आवाज़ आया और मैं वो जो जिस पर वारदात हुई है वो मैडम खुद उनके पीछे दौड़ा है, जो मानने वाला अपराधी था उसके पीछे दौड़े हैं, कुछ बच्चे भी उसके पीछे दौड़े हैं। और उसके बाद मैं स्कूल के ऊपर से नीचे आया, देखा उसके बैकबोन में गोली, पता नहीं गोली का आवाज़ है, ऐसे लगे है कि गोली लगा है, ऐसे करके आवाज़ आया। ब्लड उतना ज़्यादा नहीं आया था सर, उसके बस पकड़ ली थी तो ब्लड ज़मीन पे नहीं गिरा है। उसके पीछे दौड़े हैं गांव वाले, सब आते गए, उसके बाद पुलिस आए, पूरे पूरे टीम आ गए, समझ लीजिए। आरोपी किधर गया? आरोपी बरदुली की तरफ दौड़ा है सर, और खेत ही खेत दौड़ा है। अच्छा, इधर से बाई रोड नहीं दौड़ा है। ये मोतीमपुर गांव में आज दोपहर लगभग 1:50 पे यहां का जो स्कूल है उसके कैंपस में ही आंगनबाड़ी का भी कैंपस है और आंगनबाड़ी की एक सहायिका, एक महिला है करीब 40 वर्षीय महिला, उसके ऊपर यहां पे गोली चली है और उसको पीठ पर एक गोली लगी है। वर्तमान में उसको सिम्स में सर्जरी हो रही है। उसका स्टेटमेंट दिया गया है, प्रारंभिक तौर पर उसके द्वारा अपने पति पे और उसके परिवार के ऊपर शक जाहिर किया गया है। गोली चलाने वाले का विवरण और घटना के बारे में यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। स्कूल के कुछ बच्चों ने यहाँ पे एक करीब 25 वर्षीय युवक को देखा था जो कि काफ़ी देर से स्कूल के कैंपस के आसपास घूम रहा था और उसी के द्वारा गोली चलाई गई है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग स्थानों पर पतासाजी में। मुंगेली से विनयराज बांधड़े व कैलाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर।